आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम हैदर अली की बात कर रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम इसमें चार एंग्लो मैसूर वॉर की बात करेंगे, मेंस में, प्री में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद मैसूर किंगडम आखिरी ऐसा किंगडम था जिसने आंख में आंख मिलाई थी ब्रिटिशर के और बोला था बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से हैदर अली थे। और एक इनका जो जीवन है ना, एक छोटे से सोल्जर से रूलर तक, बहुत ही कमाल का है। प्लस गजब की इकोनॉमी पॉलिसी थी इनके, बहुत ही जबरदस्त लीडर थे भैया, शेर थे ही। और इनके बेटे टीपू सुल्तान, अगले बायोग्राफी में हम देखेंगे, वो तो इनसे और दो कदम आगे थे। तो हम हैदर अली की बायोग्राफी को देख रहे हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पार्ट टू ये रहा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर की PDF और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से @ecnnect और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। देखिए, बहुत से बच्चे मुझे हर दिन ये पूछते रहते हैं, सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, किस तरह से पढ़ना है। तो आपके लिए खुशखबरी है, इस संडे या मंडे तक मैं पूरी की पूरी बुक्स, कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी नहीं पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए, टोटल 15 बुक्स की लिस्ट है जो मस्ट है, वो पूरी बुक्स, एक टाइमलाइन, एक टाइम टेबल आपको अपडेट कर दूंगा मेरे फेसबुक पेज और प्रोफाइल दोनों पे। इस संडे और मंडे तक अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि और भी लोग जुड़ जाएं, लोगों को पता लग जाए, आराम से जो भी लोग मुझसे बार बार पूछते हैं उनको इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे मुझे सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना पड़ता है, एक जगह मैं पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आराम से तैयारी कीजिएगा। और अगर इसकी बात आई है तो ₹22,500 में कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स लाए हैं, इसको तो जरूर खरीदिए। साथ ही साथ बुक्स पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एग्जाम्स के लिए हमारे पेन ड्राइव कोर्स आते हैं और अभी तो फिलहाल काफी नोटिफिकेशंस भी आए हैं, सेबी की भी नोटिफिकेशन आ गई है, जरा उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स के लिए हम लाए हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रही हो आप पेन ड्राइव कोर्स खरीदिए और अवेल कीजिए, अपनी जॉब निकालिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू हम अब देखेंगे। ये मैप जो है मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, ये पूरा मैसूर रीजन है आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पे ही पूरा का जो कंट्रोल था हैदर अली का वो था। और ये जो आप लाइट ग्रीन में देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कार्नेटिक रीजन है। हमने बात की थी ना नवाब ऑफ कार्नेटिक्स की, जिनकी कैपिटल थी आर्कॉट, काफी सालों तक उन्होंने रूल किया था। उसके बाद फिर हमने मैसूर के राजाओं की भी बात की थी, ठीक है। तो देखा था, पार्ट वन देखिएगा आप, दोबारा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा, लेकिन फिर भी एक रिकैप देख लेते हैं। देखिए, हैदर अली का जो जन्म था ना वो 1717 या फिर 1722 में हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो किसी भी डेट पे हो सकता है। हिस्टोरियंस अभी इसको पता इतनी, मतलब इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट डेट क्या थी, ठीक है। अब भैया, इनका जो जन्म था ये हुआ था, इनके जो पिताजी थे वो मिलिट्री में थे, ठीक है। ये और इनके भाई भी मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे एफिशिएंट जनरल थे, इसी की बदौलत इनको भी जॉब मिली। और इन्होंने फिर इस तरह से, देखिए उस समय क्या था, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार भी दोहरा देता हूं, ब्रिटिश जो था अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फैलाने में लगा हुआ था। ब्रिटिश ने दो वॉर जीत लिए थे, एक तो 1757 जो कि बेसिकली वॉर नहीं था, ये नॉन बैटल ऑफ प्लेसी था, बैटल ऑफ प्लेसी नहीं था ये, और 1764। बैटल ऑफ प्लेसी का मतलब ये है कि बैटल मतलब लड़ाई होती है ना, बैटल ऑफ प्लेसी में लड़ाई नहीं हुई थी, कूटनीति और छल से इस लड़ाई को जीता गया था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो हुई थी। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी तो पूरी तरह से ब्रिटिश का डोमिनेंस हो गया था और फिर इनको कोई हरा नहीं सकता था क्योंकि कोई ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन यहां पे कैसी गजब की चीज हो गई, कमाली हो गया, 1761 में हैदर अली बन जाते हैं मैसूर के राजा। और जब मैसूर के राजा ये बनते हैं, रूलर बनते हैं, बेसिकली रूलर ये बनते हैं, तो पूरी तरह से ये भी एक्सपेंशन शुरू कर देते हैं। अब ब्रिटिश चाहते हैं कि पूरी तरह से एक्सपैंड करें, भारत को कब्जे में लें, लेकिन भारत को कब्जे में लेने के लिए उनको साउथ जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, साउथ जीतने के लिए उनको मैसूर को जीतना था। मैसूर में खड़े थे हैदर अली, सीना तान के कि आ जाओ हम पे, हिम्मत है तो अटैक कर दो। अब हैदर अली को उस समय फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस और ब्रिटिश से जो दुश्मनी है वो किसी की छुपी नहीं है, ठीक है। इधर हैदराबाद और मराठा भी जो थे वो भी अपने आप को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे। तो अगर उनको टेरिटरीज को एक्सपैंड करना है तो साउथ में भी जाएंगे, साउथ में कौन था, हैदर अली। तो यहां पे जो मैथ्स बना वो कुछ इस तरह से बना, ब्रिटिश हैदराबाद के निजाम्स और मराठा वर्सेस
हैदर अली और फ्रेंच। मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ फिर से, रुक जाइए एक मिनट। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बोर्ड साफ हो गया, ठीक है। तो हैदर अली के निजाम्स मराठा और ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस और आपके हैदर अली, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ही अपनी लड़ाई में लगे हुए थे, ठीक है। हैदर अली, अब 1761 तक बात मैंने कर ली है, यही स्टोरी थी, यही मैंने पूरा बताया है कि किस तरह से हैदराबाद मराठा जो है, हैदराबाद में भी उस समय 1748 में कमरुद्दीन निज़ाम होते हैं हैदराबाद की, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर ये निज़ामियत के लिए फिर जंग छिड़ जाती है, अल्टीमेटली सलाबत जंग फिर निज़ाम होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने कवर किया हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, मराठाओं का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, मराठा सबसे बड़ा एम्पायर बन के उभरा, शिवाजी भैया, छत्रपति महाराज शिवाजी भैया मेरे तो वो आइडल हैं, ठीक है। हमने उनकी बात की थी, मैंने उनकी बायोग्राफी को रिव्यू किया है, क्या गजब के जनरल थे, शायद इतिहास में भारत के सबसे बेहतरीन मिलिट्री जनरल से एक थे वो, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की हमने बात की थी, जब भी उनका नाम सुनते हैं चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, ठीक है। तो उनकी बात की थी और मराठा एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैसूर में हैदर अली थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में जो हुई, किसके बीच हुई थी, वैसे मैं बैटल सीरीज में सारी बैटल्स कवर करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी बैटल्स मैं कवर करूंगा। तो 1761 में किसके बीच हुई थी, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसने क्या किया, मराठाओं को कमजोर कर दिया आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो मराठाओं की नीचे गिरी, क्योंकि वॉर, पहली बात तो हार गए थे मराठा, दूसरी बात बहुत बुरी तरह, देखिए इसमें मराठा जीत जाते नो डाउट, लेकिन कुछ इस तरह से मैथ्स बैठी, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई अनफॉर्चुनेटली कि मराठा हार गए, ठीक है। और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि वो जीतने की कगार पे थे, हालत खराब कर दी थी, लेकिन फिर वही है, अब जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, ठीक है। तो यहां पे मराठा हारे तो इधर हैदर अली को एक बहुत बड़ा एक अपर हैंड मिल गया, ठीक है। हैदर अली ऑलरेडी 1761 में रूलर हो गए थे, ठीक है, सबको पछाड़ के वो राजा बन गए थे, रूलर हो गए थे, राजा राजा मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए, कृष्ण राजा टू जो थे वुडियार, 1734 से लेकर 1766 तक इनका रेंज चला था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वुडियार राजा की भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। तो अब क्या हुआ था कि मराठा के कमजोर पड़ने पे हैदर अली का डोमिनेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था। इधर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के सामने खड़े थे, ब्रिटिशर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, सामने कौन खड़े थे, हैदर अली। हैदर अली को बहुत जल्दी ये पता चल गया था कि ये जो ब्रिटिशर हैं ये यहां पे कब्जा करने आएंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, उन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब इधर इधर ब्रिटिशर की आर्मी, इधर हैदर अली की आर्मी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अब शुरू होने वाली है। 1967 से 69 तक पहली वॉर चली और ये जो वॉर थी ये हैदर अली जीत गए। वॉर में मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन टाइमलाइन लिखवा देता हूं, ठीक है, आप नोट्स करिए, नोट कर लीजिए, 14 पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इस बैटल सीरीज में जो मेरी चल रही है इसमें सारी बैटल्स मैं सेपरेटली कवर करूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसके पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ क्या था, किसके बीच हुआ था, ये हैदर अली के बीच हुआ था और ब्रिटिश पावर के बीच हुआ था, ठीक है। अब क्या था पहला पॉइंट, होता क्यों है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, एक्सपेंशन कर रहे होते हैं ब्रिटिश, सबसे जो मेन काटा होता है वो हैदर अली होता है और इनको जड़ से हटाने की बात हो जाती है। अगस्त 67 में, 1967 में ये जो वॉर होती है ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रुकिए, मैं थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, एक मिनट रुकिए, हाँ तो फिर अब हम लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो होगा आपका, ये 19 अगस्त 1967 में ये जो वॉर है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर रहा हूं, बाकी तीन की हम टीपू सुल्तान की बायोग्राफी में करेंगे, ठीक है। तो ये वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सितंबर आते आते हैदर अली क्या करते हैं, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर को कैप्चर कर लेते हैं, कावेरी पट्टनम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा उसमें, इसके बाद मैं टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा, कॉलोनल जोसेफ स्मिथ बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले तिरुवन मलाई में बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हैदर अली अटैक करते हैं तो ये वहां से भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं, हैदर अली की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी
और कॉलोनल जोसेफ स्मिथ बोलते हैं कि रीइंफोर्समेंट लाओ और लाओ और लाओ और लोगों को लेके आओ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इतनी तगड़ी फोर्स के बाद 26 सितंबर 1967 में जोसेफ स्मिथ होते हैं पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं, ठीक है, इनका रिपल्शन होता है। उसके बाद नवंबर जब तक आता है, नवंबर आने आने तक ये एम्बर को पूरी, ये सब शहर हैं, ठीक है, तो पूरी तरह से ये एम्बर को, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो यहाँ पे सारे शहर ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये अंबर एक शहर होता है, उसको पूरी तरह से सीज कर लेते हैं, ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं, इनके पकड़ में आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश हाथ में हाथ तो धरे बैठे नहीं रहेगी, ब्रिटिश जो है वापस, अगला पॉइंट है ये, ब्रिटिश जो है वो वापस अटैक करती है और यहां से हैदर अली को विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मूव होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हैदर अली की काफी बड़ी आर्मी होती है लेकिन फिर भी वो काम नहीं आती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको लिखना है, 1768 आते आते ब्रिटिश एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पे कब्जा कर लेता है, जहां पे पहले हैदर अली ने कब्जा किया था। कौन सा भैया रीजन था वो? मालाबार कोस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और ट्रेड वाइज होता है, क्योंकि ये कोस्ट है मालाबार कोस्ट, ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मालाबार कोस्ट जो होता है, ये कोस्ट लाइन है और यहां से भैया यूरोप बहुत पास पड़ता है, तो ब्लैक पेपर और भी जो होते हैं यहां से सारे सामान जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, और बाद में टीपू सुल्तान के बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर का एक और चरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हैदर अली जो होते हैं वो अपने सबसे, अली बेग को वो रिपॉइंट करते हैं, इनका सबसे बेहतरीन जनरल होता है, इसको रिपॉइंट करते हैं और मालाबार कोस्ट को पूरी तरह से कैप्चर दोबारा कर लिया जाता है। उसके बाद मैंगलोर को भी पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। मैंगलोर को कौन कैप्चर करता है? ब्रिटिश, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद क्या होते हैं, हैदर अली अपने बेटे टीपू सुल्तान को भेजते हैं, तो मैंगलोर को भी कैप्चर कर लेते हैं। आई होप आप पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये टाइमलाइन के एक के बाद एक के बाद एक ये होती जा रही थी, ठीक है, याद रखिएगा। मैंगलोर को जो कैप्चर करते हैं वो फरवरी 1968 में करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं बोलता जा रहा हूं, और ये सब मैंने वही, ये पूरा का पूरा वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट क्या होता है कि नायर जो होते हैं, देखिए यहां पे गद्दारी की एक और बात हो जाती है। ब्रिटिशर क्या करते हैं, पहले तो अटैक करते हैं, पहले बुरी तरह से हैदर अली से हारते हैं, उसके बाद एक के बाद एक वो शहर पे कब्जा करते जाते हैं और फिर हैदर अली आके उन शहर को छुड़वा देते हैं ब्रिटिशर से। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है कि मालाबार में नायर्स होते हैं, ठीक है, नायर्स ऑफ मालाबार से इनको रूल करते हैं, ये धोखा देते हैं हैदर अली को। हैदर अली को जब पता चलता है कि ब्रिटिश ने मालाबार को तो कैप्चर किया लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था, यहां के नायर्स का था, भयंकर टैक्स इन पे और पेनल्टी लगा देते हैं कि तुम्हारी तो खैर नहीं, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मराठाओं की एंट्री। देखिए यहां पे हैदराबाद, याद रखिएगा, जो ये ब्रिटिश अटैक कर रहा है इसके साथ में हैदराबाद के निजाम्स भी हैं, तो हैदराबाद प्लस ब्रिटिश फोर्सेस पूरी तरह से मैसूर आर्मी पे अटैक करता जा रहा है, लेकिन अब मराठा यहां पे पिक्चर में आएंगे। मराठा जो थे उन्होंने एक बैटल ऑफ ऊसकोटा हुई थी, वो लड़ी थी और मराठा की फोर्सेस ने भयंकर तरीके से अटैक किया था। मुरारी राव थे उस समय मराठा के जनरल, उनके अंडर इन्होंने अटैक किया था हैदर अली की आर्मी पे, और हैदर अली को वहां से पीछे हटना पड़ा था क्योंकि मराठा की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो आप देख सकते हैं यहां पे मराठा आर्मी भी पिक्चर में आ गई है और हैदर अली अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो अब करें तो करें क्या, बहुत बड़ी कंडीशन हो गई है। इधर बैंगलोर पे भी कब्जा हो जाता है, ठीक है, बैंगलोर पे भी भयंकर तरीके से कब्जा हो जाता है। फिर हैदर अली वापस, देखिए यहां पे क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे हैदर अली लगातार नेगोशिएशंस भी करते जा रहे हैं, ठीक है। वो पहले मराठाओं को ऑफर देते हैं, मराठा इसको ठुकरा देते हैं, ठीक है। फिर हैदराबाद सबके साथ यहां पे ब्रिटिश भी यहां पे नेगोशिएट कर रहा है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा फायदे में कौन है, यहां पे सबसे ज्यादा फायदे में है हैदराबाद और मराठा, ठीक है। तो हैदराबाद ऑलरेडी ब्रिटिश के साथ था और ब्रिटिश और हैदर अली दोनों ही नेगोशिएट करते जा रहे हैं यहां पे मराठाओं से, ठीक है, कि कौन किसकी साइड आएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि इसी बीच बैंगलोर पे कब्जा हो जाता है,
मराठा जो है वो बैंगलोर पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद हैदर अली वापस बैंगलोर को रिकैप्चर कर देते हैं। उसके बाद हैदर अली जो है अपनी आर्मी को दो में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। यहां पे जब आर्मी इनकी स्प्लिट होती है, पूरी तरह से ऑल आउट अटैक करती है ब्रिटिश आर्मी पे, और फाइनली जितने भी रीजन्स कब्जे में होते हैं ब्रिटिश के या हैदराबाद के या मराठाओं के, फाइनली उन पे कब्जा हो जाता है और पूरी तरह से इस रीजन को जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, हैदर अली कब्जा करने में या वापस रीऑक्यूपाई करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें ब्रिटिशर की बुरी तरह से हार होती है, ब्रिटिशर को कुछ नहीं मिलता है, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब पूरी तरह से कब्जा कर लेती है पूरे साउथ रीजन पे हैदर अली की मैसूर, हैदर अली की आर्मी जो है वो फिर जाती है मद्रास को कब्जा करने। लेकिन मद्रास पे जैसे ही कब्जा करने जाते हैं, तुरंत ही ब्रिटिश वालों को पता चल जाता है, ब्रिटिशर्स को पता चल जाता है कि अब तो ये सब कुछ ले लेंगे, तो तुरंत ही एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला गया है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास में यही इसमें एक चीज होती है कि पहली बात, हम आप एक दूसरे के मैटर में हम कभी इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। 1969 में ये साइन होती है, मार्च 1969 में हम कभी भी एक दूसरे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। स्टेटस को वापस मतलब ये सबके पास रहेगा। इसका मतलब ये है कि वॉर से पहले जितने भी एरियाज थे वो भैया वापस उन्हीं के पास रहेंगे, कोई भी एरिया में कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो पॉइंट था इस ट्रीटी के दौरान आया, वो ये था कि अगर मुझ पे हमला होता है, यानी कि ब्रिटिशर पे हमला होता है, या फिर अगर हैदर अली पे हमला होता है, तो हम एक दूसरे की मदद करने वाले हैं इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, इस ट्रीटी के दौरान। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रिटिशर की हार हुई थी और किसी को कुछ भी नहीं मिला था, हैदर अली की पूर्णता विजय हुई थी यहां पे। लेकिन इसके बाद एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, मराठाओं ने अटैक कर दिया। अब जब मराठाओं ने अटैक किया तो यहां पे हैदर अली सोच रहे थे, 1770 की ये बात है, 1771 की बात है, हैदर अली को ये लगा था कि ब्रिटिशर जो है वो हमारी मदद करेंगे। मराठाओं की बहुत बड़ी आर्मी थी, मराठा इस समय ब्रिटिश से भी भिड़े हुए थे, तो हैदर अली को लगा कि ब्रिटिशर हमारी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ब्रिटिशर ने सीधा सीधा, ये ट्रीटी में लिखा हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास में लिखा हुआ था कि अगर आप पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा ब्रिटिशर ने मना कर दिया और बोला कि हम कोई भी मदद नहीं करने वाले आपकी। आग बबूला हो गए थे हैदर अली। हैदर अली ने बोला कि इतना बड़ा बेटा धोखा हमको मिला है, ये तो पहली बार हुआ है। मराठाओं की फोर्स बहुत बड़ी थी और पूरे फुल ऑन तरीके से मराठाओं ने अटैक किया था, और ये बैंगलोर की टेरिटरी जो थी पूरी तरह से इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी। और हैदर अली को फिर फाइनली पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था, 3.6 मिलियन रुपीज, ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय, अच्छा खासा पैसा था ये। और उसके बाद एनुअल ट्रिब्यूट भी उनको देना पड़ा था 1.5 मिलियन रुपीज का, 15 लाख रुपए का, तो ये उस समय का बहुत बड़ा अमाउंट था। इतनी बुरी हालत कर दी थी, मराठाओं ने पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था इन एरियाज को। और जब हैदर अली ने रिक्वेस्ट की ब्रिटिशर से कि आप हमारी मदद कीजिए, तो ब्रिटिशर ने पूरी तरह से मना कर दिया। तो कुछ इस तरह से स्टोरी है। तो इस वॉर से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, ठीक है। और ये जो वॉर था, ये पेशवा माधव राव जी जो थे उनके साथ हुआ था, और इनकी बहुत ही जल्द डेथ भी हो गई थी। और ये जो पीस ट्रीटी थी ये बहुत ही फिर कम दिनों तक चली थी, जो इतना बड़ा रैंसम इनको मिला था। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की भूमिका बनने लगी थी। वैसे ही हैदर अली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि ब्रिटिशर ने हमारी मदद नहीं की, मराठा ने एरियाज को उनके ऑक्यूपाइज कर लिए गए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद फिर अब क्या, धीमे धीमे जो है वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा, और ये अगले जो वॉर की, अगले सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की भूमिका बनने लगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मराठाओं ने तो पहले तो पूरी तरह से टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, हैदराबाद के निज़ाम से भी हाथ मिला लिया, लेकिन फिर हैदर अली जो थे इनको हराने में सफल हो गए, इनको खदेड़ने में सफल हो गए, क्योंकि ये पीस ट्रीटी बहुत ज़्यादा तो चली नहीं, वॉर हो गया, इनको खदेड़ने में सफल हुए, जितने भी एरिया जो थे वो मराठाओं ने छीन लिए थे, वापस उन पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर थोड़ी ब्रूटल नीति अपनाई थी हैदर अली ने, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आने आने तक, 1780 आने आने तक,
हैदर अली का जो डोमिनेंस था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैप में देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा डोमिनेंस था और आसपास के एरिया को, कूर्ग रीजन को, अब ये कार्नेटिक एरिया में भी घुसने लगे थे। तो इस पूरे के पूरे एरिया को और जो एक्सपेंशन जो था चाहते ही थे हैदर अली, इस पूरे के पूरे एरिया को इनको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी और उसके बाद फिर फाइनली डेथ इनकी हो जाती है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में स्टार्ट हो जाता है, 1784 तक चलता है। लेकिन इस एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी जो है वो हम टीपू सुल्तान के लेक्चर में जानेंगे और बाकी तीनों एंग्लो मैसूर वॉर खत्म करेंगे। इसी एंग्लो मैसूर वॉर के बीच 1782 में हैदराबाद को कैंसर का पता लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे टीपू सुल्तान जो हैं वो इनकी थ्रोन को ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद इनके सक्सेसर होते हैं और आगे के एंग्लो मैसूर वॉर वो लड़ते हैं एक और शेर। तो ये हैदर अली की पूरी जीवनी थी। इसमें मैं थर्ड, जैसे कि मैंने बताया सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, बाकी के जो तीन बचे हैं वो अगले पार्ट में यानी कि टीपू सुल्तान की बायोग्राफी में कवर करूंगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको एक सही टाइमलाइन लिखवा दी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको समझ में थोड़ा सा नहीं आया हो, ठीक है, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई हो कि क्या हुआ था। कुल मिला के बात यह है कि ब्रिटिशर ने एक के बाद एक शहरों की ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था। इसमें मराठा और निजाम ने भी अपना फायदा देखा और इन्होंने भी किया, लेकिन अल्टीमेटली हैदर अली ने वापस रिट्रीट किया और सबको खदेड़ने में ये कामयाब हो गए। साउथ को वापस पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया और फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई और ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत ब्रिटिशर ने, जब मराठाओं ने इनको अटैक किया तो ब्रिटिशर ने हेल्प नहीं की और इसकी वजह से सबसे मेन कारण था जो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की हिस्ट्री हम अगले पार्ट में जानेंगे और हैदर अली को सेरिंगापट्टनम की गुंबज में दफनाया गया था, ठीक है। तो ये हैदर अली की जीवनी का एंड है, ठीक है। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्स सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, आप इनको अवेल कर सकते हैं, अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सिविल सर्विस की पूरी की बुक लिस्ट, सारी की सारी बुक लिस्ट मैं अपने फेसबुक पेज पर डाल दूंगा संडे या मंडे तक, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।